आगे निकल गया है और बिहार में शिक्षा को बचाने की लड़ाई अब लड़ रहा है शिक्षक, बिहार में शिक्षक के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और बिहार में शिक्षकों की अपनी पीढ़ी की लड़ाई रख ले। यह आपके जैसा चुनावी नौटंकी नहीं चल रहा, यह धरना प्रदर्शन सांसद विधायक बनने के लिए नहीं चल रहा, यह धरना प्रदर्शन समाज के नौनिहालों को बचाने, गरीब के नौनिहालों को बचाने, उनके भविष्य को बचाने के लिए चल रहे। इसलिए आप डराना धमकाना क्या करना चाहते, 20 दिन के अंदर आपने वह तमाम दमनकारी प्रक्रियाओं को अपनाया है जो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, जो संविधान के ऊपर एक प्रहार करने जैसा कदम था उसको आपने वो चलाने का था। आप हड़ताल को, अरे आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस पार्टी को देखिए, प्रधानमंत्री दिल्ली में है और संविधान शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जो हम आवाम कर्मचारी को जो अधिकार दिया है, दिल्ली के सीना पर चढ़कर लोग लगातार महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री का हिम्मत नहीं हुआ कि उसको वहां से हटा दे, हिला दे। आप तो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तो राष्ट्र निर्माता शिक्षा को बचाने की लड़ाई तमाम बीआरसी में बैठकर लड़ रहा है और आप इस सोच रहे लोग को खाली गांधी का जीवनी पढ़ा, गांधी के आदर्श पर चलेगा, हम इसी तरह बैठ के बिहार में नौटंकी करते रहेंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए सीएम साहब, हम लोग मार्च का महीना है और भगत सिंह को भी अपना आदर्श मानते हैं, सुखदेव को भी मानते हैं, राजगुरु को भी मानते हैं, 28 मार्च को उसका शहादत दिवस है, 28 मार्च में पूरा मार्च हम लोग भगत सिंह के नाम कर चुके हैं। टेलर दिखाए आपको, मुख्यमंत्री को टेलर दिखाया ना 5 तारीख को, हमारा मार्च चल रहा था वैशाली में और कुर्सी डोल रहा था मुख्यमंत्री का पटना में, और आज के नेता मंत्री नौटंकी शुरू कर दिए टीवी चैनल के सामने, ऐसा सेवा शर्त ला रहे हैं, वैसा सेवा शर्त ला रहे हैं, ये नहीं देंगे, वेतन मान नहीं देंगे, समान काम का समान वेतन नहीं देंगे, सहायक शिक्षक का दर्जा नहीं देंगे, नियमित शिक्षक के बराबर पैसा नहीं देंगे, आपके बाप का पैसा नहीं सीएम साहब, आपसे हम लोग पैसा लेकर रहेंगे समान वेतन मान, या वैशाली का लोग भी ऐलान कर रहा है, महुआ का लोग भी ऐलान कर रहा है, पैसा नहीं बात है, शिक्षा को बचाने की सीएम साहब समझिए। आप जिस जंगल राज का उदाहरण देकर सत्ता पर आए हैं तो आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आपको पुनः जंगल राज कायम नहीं करने देंगे। क्या जंगल राज था वो तो आप जानते थे, क्या जंगल राज खत्म कर दिए वो आप जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिस राज्य में शिक्षा नहीं है, जिस राज्य में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस राज्य का शिक्षक खुशहाल नहीं है, वहां सबसे बड़ा जंगल राज है, उससे बड़ा कोई राज नहीं हो सकता है। आप 2.5 करोड़ बच्चों की इनको चिंता नहीं है, 20 दिन हो गया हड़ताल पे है, उनकी पढ़ाई ठप है, इंटर मैट्रिक के बच्चों को इनकी चिंता नहीं है, उनका मूल्यांकन 70 साल के लोगों से करवा रहे हैं जिनको दिखता नहीं, जवानी में तो आनंद को तुम अंधा कर दिया जी, इतना शोषण किया, इतना टॉर्चर किया गुरु को बिहार में, और 70 साल के जो गुरु है उनको क्या, उनको क्या आंख में रोशनी छोड़ा होगा, तो जैसे तैसे मत, जो हमारे भाई बहन शहीद हो गए अब दुनिया में नहीं है, वो निधन हो गया जिनका, उनका नाम का चिट्ठी मूल्यांकन का निकाल रहा है, जब मीडिया उसको उठाता है तो फिर उसको निलंबित कर देता है, मतलब जो जिंदा नहीं है उसको बर्खास्त करते हैं, उसको निलंबित करते हैं मुख्यमंत्री जी, इसका मतलब आपका शासन सत्ता अब नहीं चलने वाला है बिहार में, यह जंगल राज जो आप लाना चाहते थे, इतिहास के पन्नों में ऐसा जंगल राज का चर्चा कहीं नहीं है, और आजादी के पहले अंग्रेजी शासन में भी ऐसा नहीं होता था कि आम आवाम गरीब किसान के बच्चों को इस तरह से कोई पैर के नीचे रौंद कर उसका भविष्य बर्बाद करना चाहता था, इसलिए करोड़ों बच्चों की तरफ से, करोड़ों बच्चों के माता पिता की तरफ से और 50 लाख 5 लाख के शिक्षक और उनके परिवार की तरफ से हम आपको कहना चाहते हैं, उनकी आवाज बनकर आपके सामने कहना चाहते हैं कि अहंकार छोड़ दीजिए, तानाशाही छोड़ दीजिए, हिटलर के रास्ते पर मत चलिए, नहीं तो आपको मात्र कुछ दिन बचा है, सत्ता से ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे कि दोबारा सत्ता में आने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात हल्के में मत लीजिएगा सीएम साहब, आपको तुरंत एक सख्त चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपके चलते हमारे बिहार के लाखों लाख शिक्षक भाई बहन, राष्ट्र निर्माता भाई बहन का अगर होली 2 दिन के अंदर ठीक ही अगर रही, अगर इस बार